इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि रात भर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई है। ताजा गोलाबारी में सेना का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी है और इसी एनकाउंटर में मेजर कर्नल और डीएसपी शहीद हुए हैं। इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। छिपे हुए आतंकियों में एक लश्कर कमांडर उज्जैर खान भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से सामने आ रही है।